वालेकुम क्लास टू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और आपने दिल लगा के अपना पिछला काम जो होगा याद किया होगा और आपकी असेसमेंट भी बहुत अच्छी रही होंगी। तो स्टूडेंट, जहाँ तक हमने लास्ट मंथ अपना काम जो था वो वाइंड अप किया था, उससे नेक्स्ट हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने ग्रामर स्किल्स निकालें, पेज नंबर 22, ऊपर डेट लगाएं आज की 28/4/21। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर स्किल्स का, जिसका नेम है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन। तो स्टूडेंट, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, पहले हम ये रीड करेंगे। मैस्कुलिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मेल। मैस्कुलिन नाउन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हम आदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी आदमियों के लिए जितने भी वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड मैस्कुलिन नाउन। फेमिनिन नाउन्स आर वर्ड फॉर फीमेल्स, और औरतों के लिए या लड़कियों के लिए जितने वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं फेमिनिन नाउन, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी हमारी आ जाती है कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर नाउन आर यूज्ड फॉर मेल्स और फीमेल्स, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम मेल के लिए यानी कि आदमी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और औरत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे अल्फाज को हम बोलते हैं कॉमन जेंडर नाउन। मैस्कुलिन नाउन में जैसे कि हम कर सकते हैं बॉय, डैड, ठीक है, ये सारे मैस्कुलिन हो गए। फेमिनिन में हम जैसे कि गर्ल यूज़ कर सकते हैं, मॉम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कॉमन जेंडर नाउन में जैसे कि हम टीचर यूज़ करते सकते हैं, टीचर आपको पता है ना कि वो बॉय भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम और देखें हम कौन से वर्ड जो हैं वो कॉमन जेंडर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम कर सकते हैं पायलट। आपको पता है पायलट जो है वो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन के अब आपको समझ आ गई। चलें अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर ए सॉल्व करते हैं, पेज नंबर 22 है हमारा। रीड पॉल्स डायरी। अब आप वो कह रहे हैं कि ये पॉल्स की डायरी है, इसको आपने रीड करना है। अंडरलाइन ऑल द वर्ड्स फॉर पीपल। पीपल यानी कि लोगों के लिए, इंसानों के लिए। इसमें जितने भी वर्ड यूज़ किए गए हैं आपने उनको सिंपली क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। चले रीड करते हैं। ट्यूजडे 10 दिसंबर। एट क्रिसमस टाइम माई फैमिली एंड आई वेंट टू लंडन। लंडन इज़ अ बिग सिटी इन इंग्लैंड। When we arrived, the first thing we did was to visit Buckingham Palace. I wanted to take a photo of Queen Elizabeth or Prince Charles. तो यहाँ पे देखें कि इंसान के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्वीन। क्वीन का क्या मतलब होता है, मलका, ठीक है। इसी तरीके से प्रिंस चार्ल्स, और प्रिंस यहाँ पे क्या किसे कहते हैं, शहजादे को, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो पीपल के लिए वर्ड यूज़ किए गए हैं ना, तो हमने इनको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है द टूर गाइड एंड बस ड्राइवर बोथ टोल्ड मी। अब यहाँ पे देखें टूर गाइड, ये भी इंसान के लिए यानी कि रास्ता दिखाने वाला, आपको समझाने वाला कि यहाँ पे क्या क्या कुछ होता था, उसको कहते हैं टूर गाइड। और बस ड्राइवर यानी कि बस चलाने वाला। तो ये भी देखें लोगों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। टोल्ड मी दैट देयर आर मैनी इम्पॉर्टेंट पीपल इन इंग्लैंड लाइक लॉर्ड्स एंड लेडीज। लॉर्ड्स किसे कहते हैं, नवाब, बेगम। अब देखें ये दोनों वर्ड जो हैं ये लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ड्यूक्स, ड्यूक कहते हैं जागीरदार यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें जायदाद वगैरह होती हैं। इसी तरीके से डचेस, डचेस हम कहते हैं जागीरदारियों को, यानी कि जागीरदार की बीवी को हम क्या बोलते हैं, जागीरदारनी या फिर डचेस। उसके बाद है बट दे डोंट ऑल लिव इन पैलेसेस। टुमारो वी आर गोइंग टू लंडन जू। तो स्टूडेंट हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर ए जो है वो सॉल्व कर ली है। पीपल के लिए जितने भी यहाँ पर वर्ड्स थे, नाउन थे, हमने उनको क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। कौन कौन से हमने अंडरलाइन किए हैं, क्वीन, प्रिंस, टूर गाइड, बस ड्राइवर, लॉर्ड, लेडीज, ड्यूक्स एंड डचेस। चलें कम ऑन पेज नंबर 23 पे हमारी एक्सरसाइज नंबर बी है। राइट द वर्ड्स यू हैव अंडरलाइन ऑन पेज नंबर 22 इन द करेक्ट लिस्ट। ऐड टू मोर जेंडर वर्ड्स ऑफ योर ओन इन ईच लिस्ट। वो कहते हैं आपने यहाँ पर जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, अब आपने उनको करेक्ट कॉलम में पुट करना है। यानी कि अगर जो वर्ड्स मेल के लिए यानी कि आदमी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं उसको आपने मैस्कुलिन में लिखना है, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए जो वर्ड यूज़ किए गए उनको आपने फेमिनिन नाउन में,
और औरतों और मर्द दोनों के लिए जो मुश्तरका वर्ड हैं उनको आपने कहाँ पर लिखना है, कॉमन जेंडर नाउन में, ठीक है। ये सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखने के बाद हर लिस्ट में आपने अपनी मर्जी के दो दो नेम जो हैं वो दो दो नाउन्स और ऐड करते हैं, ठीक है। चलें देखते हैं पहला वर्ड जो हमने अंडरलाइन किया वो कौन सा था, क्वीन। वेरी गुड, क्वीन का क्या मतलब होता है, मलका। तो मलका बताएं ज़रा औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है या मर्द के लिए। वेरी गुड, औरत के लिए, तो उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, फेमिनिन नाउन में। तो क्वीन हम लिख देंगे फेमिनिन वाले कॉलम में। नेक्स्ट वर्ड हमने जो अंडरलाइन किया था डेट इज़ प्रिंस। प्रिंस कहते हैं शहजादे को, तो शहजादा क्या होता है, मैस्कुलिन होता है। तो प्रिंस हम कहाँ पे लिख देंगे, मैस्कुलिन नाउन वाले कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था टूर गाइड, यानी कि रास्ता बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला। आपको पता है ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, यानी कि ये जो वर्ड है ये हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन जेंडर नाउन। तो टूर गाइड को हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन जेंडर नाउन में, ठीक है, टूर गाइड। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट वर्ड अंडरलाइन किया वो था बस ड्राइवर। और आपको पता है बस ड्राइवर जो है वो मेल भी हो सकती है, हो सकता है वो फीमेल भी हो सकती है, यानी कि आदमी भी चला सकता है गाड़ी और औरत भी चला सकती है। तो बस ड्राइवर भी हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको भी हम कहाँ पे लिख देंगे, कॉमन जेंडर नाउन में, ठीक है, बस ड्राइवर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमने अंडरलाइन किया वो था लॉर्ड। लॉर्ड कहते हैं नवाब को, और लॉर्ड जो है वो हम मैस्कुलिन में लिखेंगे। इसी तरीके से इसके बाद हमने अंडरलाइन किया लेडीज। लेडीज किसे कहते हैं, औरतों को या फिर बेगमों को। तो ये हम औरतों के लिए यूज करते हैं लेडीज का वर्ड, तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, फेमिनिन नाउन में, ठीक है। उसके बाद था ड्यूक। ड्यूक्स कहते हैं जागीरदारों को, तो ड्यूक वर्ड हमारा है मैस्कुलिन, तो ड्यूक को हम कहाँ पे लिख देंगे, मैस्कुलिन में। उसके बाद हमने अंडरलाइन किया था डचेस। डचेस कहते हैं जागीरदानियों को, यानी कि औरतों को जो कि इनकी वाइफ्स होती हैं ड्यूक्स की। तो डचेस को हम कहाँ पे लिख देंगे, फेमिनिन नाउन में। नीट हैंडराइटिंग में क्लास टू आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन किए थे वो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज बी में लिख दिए। सेकंड स्टेप हमारा ये था कि तीनों लिस्ट में हमने अब दो दो और ऐड करने हैं। लाइक हमने अब दो मैस्कुलर नाउन, यानी दो ऐसे नाउन यूज़ करने हैं यहाँ पर लिखने हैं जो कि आदमियों के लिए या लड़कों के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बॉय। बॉय का क्या मतलब होता है, लड़का। वेरी गुड, इसके अलावा मैन, आदमी, ये दोनों मैस्कुलिन है ना, ठीक है। इसी तरीके से फेमिनिन में अब बॉय का फेमिनिन क्या होता है, गर्ल, यानी कि लड़का और लड़की। इसी तरीके से मैन कहते हैं आदमी को, और औरत की इंग्लिश क्या होती है, वुमेन। वेरी गुड, ठीक है। इसी तरीके से हमने दो कॉमन जेंडर नाउन यानी ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो कि हम मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था टीचर। टीचर जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर, डॉक्टर आपको पता है लेडी डॉक्टर भी हो सकती है और दूसरे डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर लिख लें। इसके अलावा आप यहाँ पे पायलट लिख सकते हैं, ठीक है। चलें क्लास टू, आई होप आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन की समझ आ गई होगी। आपने इसको नीट हैंड राइटिंग में अपनी ग्रामर स्किल्स पे सॉल्व करना है और इसको याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।